हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप देखेंगे पार्ट नंबर 42 और ये आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और आपके इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड गोल्डन पॉइंट्स हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे हम UPNM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बेस्ट बुक जो कि है चक्षु प्रकाशन की, और इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसमें कि टोटल 2450 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और नीचे यहाँ आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि टोटल पच्चीस प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और ये आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस बुक को ख़रीदने के लिए आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट वेबसाइट का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां पर जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो आगे हम नेक्स्ट चलेंगे वीडियो में। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है आपका विटामिन ए वसा में क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है कि विटामिन ए वसा में विलेय विटामिन है। तो कौन कौन सी वसा में विलेय विटामिन है इसको हम देखेंगे, और वो है आपकी ए डी और ई और के। ठीक है तो ए और डी ई और के क्या है वसा में विलेय विटामिन है यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन सी जल विलेय विटामिन का उदाहरण है। ठीक है तो जो विटामिन सी है वो क्या है जल में विलेय विटामिन यानी वाटर सोल्यूबल है, और इसमें कौन कौन से जल में विलेय विटामिन है बी और सी, बी और सी जल में विलेय विटामिन है। नेक्स्ट हमारा है गलगंड यानी ग्वाइटर नामक रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। ओके यानी कि ग्वाइटर या गलगंड क्या होता है भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है नेक्स्ट हमारा है पाश्चुरीकरण की होल्डर विधि में दूध को 30 मिनट के लिए 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ठीक है पाश्चुरीकरण के होल्डर विध में दूध को 30 मिनट के लिए 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और उसके बाद शीघ्रता से 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ओके नेक्स्ट फैक्ट है हमारा पाश्चुरीकरण की HTST विधि को उच्च ताप एवं कम समय की विधि भी कहते हैं। ठीक है यानी कि पाश्चुरीकरण की HTST विधि को उच्च ताप एवं कम समय की विधि भी कहते हैं। ओके एंड नेक्स्ट है हमारा आजकल दूध के पाश्चुरीकरण की HTST विधि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। इसमें दूध को 15 सेकंड्स के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, उसके बाद शीघ्रता से 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ओके नेक्स्ट है हमारा पाश्चुरीकरण की एफिशिएंसी को जांचने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। ठीक है पाश्चुरीकरण की एफिशिएंसी को जांचने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। ओके और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गलगंड की समस्या को रोकने के लिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, ये फूड फोर्टिफिकेशन का उदाहरण है। ओके नेक्स्ट हमारा फैक्ट है काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाना खाद्य अपमिश्रण यानी फूड एडल्ट्रेशन का उदाहरण है। ओके एंड नेक्स्ट हमारा फैक्ट है
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम यानी पीएफए एक्ट 1954 में पास किया गया था। ओके, और नेक्स्ट फैक्ट है हमारा विशेष पोषक कार्यक्रम यानी स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत पूरक आहार में लगभग 300 किलो कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन दिया जाता है, जबकि गर्भवती और दूध पिलाती माताओं को लगभग 500 किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन दिया जाता है। ओके, और नेक्स्ट हमारा है आईसीडीएस का पूरा नाम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है और इसको हिंदी में एकीकृत बाल विकास योजना कहेंगे, और इसको प्रारंभ कब किया गया था, 1975 में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है इसके अंतर्गत काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा है आईसीडीएस प्रोग्राम में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर क्षेत्र का सुपरविजन करता है। नेक्स्ट हमारा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, कुपोषण को रोकना, बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के लिए आकर्षित करना और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। ओके, और नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण एनर्जी का 50 से 70% भाग बनाता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण एनर्जी का 50 से 70% भाग बनाता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन ए डी ई और के, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन ए डी ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है मिड डे मील कार्यक्रम के दौरान दिए जाने वाला भोजन कुल ऊर्जा की आवश्यकता का कम से कम एक तिहाई भाग और एवं कुल प्रोटीन की आवश्यकता का आधा भाग प्रदान करने वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी मिड डे मील के कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाला जो भोजन होता है वो कुल ऊर्जा की आवश्यकता का कम से कम एक तिहाई भाग एवं कुल प्रोटीन की आवश्यकता का आधा भाग प्रदान करने वाला होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके गोल्डन पॉइंट्स और आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट, इस पे आपको UP SSC NM की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है तो उसके अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आपको UP SSC NM का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर आप सारे वीडियोस 1 से लेकर 42 तक एक ही जगह पर आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।